हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.1 में जो भी दिक्कत या समस्या आई होगी तो कमेंट करें। जो भी प्रश्न में दिक्कत आई होगी तो मैं कमेंट करें, मैं उसे बताने में आपका मदद करूंगा। चलिए आज पढ़ने वाले हम लोग प्रश्नावली 8.2। सवाल पहला क्या कर रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब आप लोग को एक दिक्कत आती होगी। हम लोग ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? सिर्फ साइन 60 डिग्री, क्या थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पर 60 आ गया, 30 आ गया। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको सारणी 8.1 पूरा याद होना चाहिए। पूरा याद होना चाहिए क्या? सारणी 8.1 पूरा याद होना चाहिए। ये अगर याद होगा तो इसे बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं याद होगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले सारणी 8.1 को याद कर लीजिएगा, फिर इस मैथ को आप लोग को बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस मैथ को। क्या कह रहा है? साइन 60 डिग्री। क्या कह रहा है? साइन 60 डिग्री। अब देखिए आते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और यहाँ पर इंटू छिपा हुआ, क्या इंटू छिपा हुआ है? कॉस। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 इंटू छिपा बीच में कॉस। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर √3/2 है और यहाँ पर √3/2 है, तब तो क्या इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं? √3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसा दो अंक है। और इसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, कर दिए। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, अब हमने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था? किसी भी रूट का कोई अंक है उसको स्क्वायर कीजिएगा तो जो रूट में अंक रहता है वो सिंपल सा निकल जाता है। यहाँ पर रूट में कौन सा अंक है? 3 है, इसका स्क्वायर है तो ये छुट्टा 3 निकल सकता है ना। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको हल कीजिए, बटा पर जोड़ कीजिए। 4 थे 4। अब 4 के पढ़ा में कितना बार कटेगा? एक बार में कटेगा। और 1 से 3 लोग ना कीजिएगा तो 3, ठीक प्लस। अब 4 4 के पढ़ा में एक बार कटेगा और 1 में 1 से गुणिया कीजिएगा तो 1, 3 1 4 4/4 कटा दीजिए इसको, 1 आपका आंसर। कोई दिक्कत आई होगी तो कमेंट कीजिए, दोबारा बता सकते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री। कितना कह रहा है? 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। यही मेरा सवाल है ना, चलिए इसको और करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 दिया है, 2 गुना। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग को याद होगा तो आप लोग बोलिए, नहीं आएगा तो हम लिख देते हैं। tan 45 डिग्री का कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए tan पर स्क्वायर दिया तो 1 को यहाँ पर स्क्वायर करना है, ठीक प्लस। अब देखिए cos² 30 cos 30 डिग्री का कितना होता है? पिछले समय हमने बताया √3/2 दिया है। अब cos पर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस sin 60 डिग्री का कितना होता है? √3/2 होता है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन पर स्क्वायर दिया है, आगे बढ़ते हैं। 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 आएगा ना प्लस। अब देखिए √3 को पिछले वाले हमने प्रश्न बताया है कि √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 में से 3 सिंपल सा निकल जाता है। 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा,
तीन, तो क्या इसका कीजिएगा चार, दो का लघुत्तम दो। अब देखिए यहाँ पर प्लस तीन बटा चार है और यहाँ माइनस तीन बटा चार है, तो ये कट सकते हैं ना, इसके स्थान पर दो प्लस जीरो बराबर दो। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम दोबारा बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नंबर थ्री, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तीन नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए कॉस 45 डिग्री, क्या कह रहा है, कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए अब कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, वन बटा रूट दो, कितना होता है वन बटा रूट दो, लिख दिया आप चुपचाप वन बटा रूट लिख दिए हैं। अब दिया यहाँ पर बटा, अब देखिए सेक 30 डिग्री, सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है रूट थ्री बटा टू, और यहाँ पर दिया सेक, सेक 30 डिग्री कितना होता है रू दो बटा रूट तीन प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है दो, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है दो, मन से हम एक लिख देते हैं। आइए आगे चलते हैं, वन बटा रूट दो, ठीक, रूट तीन और एक का लघु कितना होता है रूट तीन होगा बटा रूट तीन, रूट तीन के बराबर कितना बार कटेगा एक बार में, दो में एक से गुणा कीजिएगा दो प्लस रूट एक के पहाड़ा में रूट तीन कितने बार में कटेगा रूट तीन बार में, और रूट तीन से दो में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दो रूट तीन, सिंपल सा। अब इसको करते हैं वन बटा रूट दो, अब देखिए ये बटा मतलब ये पूरा भाग में है, ये पूरा भाग में है, जब जब बटा के उस पर ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये गुना में जाएगा और अंक बदल जाएगा, मतलब ये रूट ऊपर थ्री चल जाएगा रूट थ्री, और यह नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा नीचे दो प्लस दो रूट, यही मेरा नीचे आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए वन बटा रूट रूट तीन बटा रूट दो में दो से गुना कीजिएगा दो रूट दो प्लस रूट दो में दो रूट तीन से गुना कीजिएगा तो दो रूट छ हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं आगे 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 बढ़ते हैं, आगे हमारे क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा मान निकल चुका है कितना, अंडर रूट थ्री और दो अंडर रूट दो प्लस दो अंडर रूट छः, तो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा परिमेयकरण करने के लिए, परिमेयकरण कैसे किया जाता है नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिए, हम स्पेशली आप वीडियो बनाकर बता सकते हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। अब देखिए रूट थ्री है ऊपर, ठीक, अब दो रूट दो क्या है दो रूट दो प्लस दो रूट छ। अब परिमेयकरण में क्या होता है, ये जो नीचे का मान होता है उसका चिन्ह बदल देता है, दो रूट दो माइनस दो रूट छ, और नीचे भी उतना ही से गुना होगा, नीचे भी उतना ही से गुना होगा दो रूट दो माइनस दो रूट छ। अब गुना कीजिए इसमें 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 इससे, ठीक है। अब रूट थ्री में हम दो रूट दो से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दो रूट छ माइनस, अब हम रूट थ्री में माइनस दो रूट छः से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दो गुना तीन रूट दो। अब देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसका सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र है, तो रूट स्क्वायर माइनस दो रूट छः का होल स्क्वायर, हल कीजिए स्क्वायर दो रूट छः माइनस छः रूट दो। अब दो का इसमें स्क्वायर कीजिएगा तो चार, और रूट दो का स्क्वायर कीजिएगा तो छोटा रूट दो निकलेगा,
तो चार और दो में गुना कीजिएगा तो आठ माइनस, अब देखिए दो का स्क्वायर कीजिएगा तो चार, और रूट छ में स्क्वायर कीजिएगा तो छोटा रूट छः निकलेगा, तो छः और चार गुना कीजिए तो चौबीस निकलेगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले दो कॉमन निकाल लेते हैं, दो कॉमन निकालनी है, क्या बचे मैं रूट छः बचा माइनस तीन रूट दो। ठीक, बटा अब देखिए अठारह में से चौबीस गया कितना जगह माइनस सोलह, चौबीस में से अठारह गया सोलह। ठीक, अब ये कटा दीजिए, ये कटा सकते हैं, तो दो में सोलह कट जाएगा तो आठ आ जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा तीन रूट दो माइनस तीन रूट दो माइनस रूट छः बटा आठ आंसर। अगर कोई इस सवाल में प्रॉब्लम आई हो या दिक्कत आई हो तो कृपया कमेंट कीजिए, तो हम इस सवाल को दोबारा बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर चार क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री, क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसी को हम लोग को हल करना है, तो आइए हल करते हैं। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, वन बटा टू होता है, साइन 30 डिग्री मान वन बटा टू होता है, प्लस टेन 45 डिग्री कितना होता है, वन होता है, नीचे हम वन से लिखते हैं, माइनस कॉस कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, दो बटा रूट तीन होता है बटा, सेक 30 डिग्री मान कितना होता है, दो बटा रूट तीन होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, वन बटा टू, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, वन बटा वन। चलिए इसको हल कीजिए। अब देखिए दो एक रूट तीन का लघुतम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दो दो रूट तीन होगा ना, दो रूट तीन लघुतम होगा। अब देखिए अब दो रूट तीन है यहाँ पर और इसमें हमको दो से भाग देना है तो कितना नहीं कटेगा, रूट तीन दो तो दो कट गया और क्या बचा, रूट तीन बचा, तो रूट तीन में हम एक से गुना करेंगे तो रूट तीन प्लस, अब दो रूट तीन में एक से भाग देंगे तो दो रूट तीन ही बार में कटेगा ना, तो दो रूट तीन प्लस, अब दो रूट तीन में रूट तीन से भाग देंगे तो रूट तीन तीन कट जाएगा तो दो बचेगा और दो में दो से गुना कीजिएगा, कोई दिक्कत, अब इसमें बड़ा लाइन कीजिए। अब रूट थ्री दो और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, दो रूट तीन। ठीक, अब दो रूट तीन में तीन से भाग दीजिएगा तो रूट तीन तीन कट जाएगा, बचेगा क्या, दो बचेगा और दो में दो से गुणा कीजिएगा तो चार प्लस रूट तीन प्लस वन, ऊपरी वाला किस्सा उतर गया, दो रूट तीन तारीखे अंडर रूट तीन प्लस दो अंडर रूट तीन प्लस चार बटा दो रूट तीन। अब देखिए अब यहाँ पर ये इससे भागा में जब बटा के उस पर जाएगा तो ये अंक गुना में बदल जाएगा, तो जब अंक गुना में बदलता है तो अंक उलटता है ना, गुना में हो जाएगा अंक और ये रूट दो रूट तीन ऊपर जाएगा और ये चार प्लस रूट तीन प्लस दो रूट तीन नीचे आएगा, इससे इससे ये खत्म। ठीक, खत्म कर लिए। अब देखिए अब क्या बचा मेरे पास, रूट तीन बचा, रूट तीन प्लस दो रूट तीन प्लस चार, क्या बचा, चार प्लस
रूट तीन प्लस दो रूट तीन यही बचा ना। अब देखिए कितना है हम लोग को कटा फटाने पर, रूट थ्री प्लस दो रूट तीन माइनस चार, चार प्लस रूट तीन प्लस दो रूट तीन। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीन रूट तीन माइनस चार इस रूप में लिखा सकता है, तीन रूट तीन माइनस चार, और इसको भी लिख दीजिए इसी रूप में, तीन रूट तीन प्लस चार के रूप में, इसको इस रूप में लिख दिए, इसको इस रूप में लिख दिए। ये रूट थ्री है, नाइन माइनस नाइन मत समझिएगा, रूट थ्री है। अब देखिए अब यहाँ पर आइए आगे बनाते हैं। चलिए क्या मेरा दिया है, तीन रूट तीन माइनस तीन रूट तीन प्लस चार। अब इसको परिमेयकरण कर दीजिए, कैसे होता है, रूट तीन माइनस चार, तीन रूट तीन माइनस चार। अब रूट तीन, तीन रूट तीन माइनस चार और तीन रूट तीन माइनस चार दोनों एक ही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट तीन माइनस चार का। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे होता है, ए स्क्वायर, तीन रूट तीन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हल कीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब तीन के स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, नौ, और रूट तीन के स्क्वायर कीजिएगा तो तीन, तो नौ तीया सत्ताईस माइनस चार का सोलह। सिंपल सा, अब तीन रूट तीन का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सत्ताईस, सत्ताईस कैसे होगा, तीन का स्क्वायर कीजिएगा तो नौ, और रूट तीन का स्क्वायर कीजिएगा तो तीन, तो नौ तीया सत्ताईस माइनस तीन दूनी छः चौका चौबीस रूट तीन प्लस सोलह, सत्ताईस में ले सोलह गए ग्यारह। ठीक, अब देखिए आगे हल करते हैं, यहाँ पर सत्ताईस प्लस है और सोलह भी प्लस है, तो हो सकता है ना चौबीस रूट तीन प्लस तिरपन, सत्ताईस छ तैतालीस ना होगा, सत्ताईस छ तैतीस दो तैतालीस बटा ग्यारह एंसर। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, कैसी प्रॉब्लम, तो यहाँ पर सत्ताईस यहाँ पर प्लस नहीं माइनस में होगा, और माइनस कैसे होगा हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि ये देखिए चौबीस रूट तीन का चिन्ह माइनस में है और यह सबसे बड़ा इसलिए इसका माइनस में चिन्ह हो गया, यहाँ पर माइनस था इसलिए, क्योंकि हम इसको तो जोड़ दिए, इन दोनों को हम जोड़ दिए, सत्ताईस प्लस सोलह चौबीस रूट तीन माइनस सैतालीस बटा ग्यारह एंसर। कोई दिक्कत दिक्कत आई होगी तो कमेंट कीजिए, दोबारा आप बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, कि प्लस पाँच कॉस स्क्वायर सिक्सटी, पाँच कॉस स्क्वायर सिक्सटी प्लस चार सेक स्क्वायर थर्टी माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस बटा साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी। कोई दिक्कत सवाल में आया हो, आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए पाँच कॉस स्क्वायर सिक्सटी, तो पाँच गुना कॉस स्क्वायर सिक्सटी, कॉस सिक्सटी वन कितना होता है वन बटा टू का होल स्क्वायर प्लस चार गुना सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री, सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री का मान कितना होता है दो बटा रूट तीन का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस, टेन स्क्वायर पैंतालीस मैंने टेन पैंतालीस मान कितना होता है वन होता है, वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री कितना होता है वन बटा टू का प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी डिग्री कितना होता है रूट तीन बटा दो का होल स्क्वायर। पांच
एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, दो का स्क्वायर कीजिएगा चार, प्लस चार गुना दो का स्क्वायर कीजिएगा चार, रूट तीन का स्क्वायर कीजिएगा तीन, माइनस एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, दो का स्क्वायर कीजिएगा चार, प्लस तीन का स्क्वायर कीजिएगा तीन, दो का स्क्वायर कीजिएगा चार। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे, इसको हल करते हैं। पांच बटा चार हो जाएगा ना, पांच में एक शून्य पांच बटा चार, प्लस छो का सोलह बटा तीन, प्लस एक एक बटा चार, प्लस तीन बटा चार, बटा पद जोड़ करते हैं। चार तीन एक का लघु उत्तम कितना होगा? बारह हो जाएगा ना, बारह। चार के पहाड़ा में बारह कितना बार कटेगा? तीन बार में, पांच में तीन से मना करेंगे पंद्रह, प्लस तीन के पहाड़ा में बारह चार बन कटेगा, और सोलह में चार से गुना कीजिएगा, सोलह चौका चौसठ, सोलह चौका चौसठ। अब देखिए क्या है, एक है और एक के पहाड़ा में बारह बारह बार में कटता है, और बारह में एक से गुना कीजिएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है इसलिए हम लोग ने माइनस किया, बटा चार और चार का लघुत्तम चार लिख सकते हैं, चार और चार का लघुत्तम चार, चार और चार का लघुत्तम चार, चार के पढ़ा हम चार एक बार में और एक से एक, प्लस चार के पढ़ा चार एक तीन से एक तीन। अब देखिए पंद्रह में से बारह घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस चौसठ, प्लस पंद्रह में से बारह घटेगा तो तीन बचेगा ना, और बारह का चिन्ह माइनस में है और पंद्रह का चिन्ह प्लस में है, तो बड़ा कौन सा है? पंद्रह, पंद्रह का चिन्ह ले जाएगा, पंद्रह का चिन्ह बड़ा है, तो पंद्रह में से बारह गया तीन, बट्टा चार बट्टा चार कट जाएगा, मतलब एक चौसठ तीन सड़सठ, बारह सड़सठ बट्टा बारह, तीन एक चार बट्टा चार कट जाएगा एक, ठीक है, तो इसका सही है एक बट्टा एक, सड़सठ बटा बारह गुना एक बटा एक, सड़सठ बटा बारह आंसर। अगर कोई दिक्कत आई होगी तो कमेंट कीजिए, दोबारा बता सकते हैं, अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया बात है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा।